अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फासिद। वेलकम टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट, आज हम लोग मैनेजमेंट के एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है क्या। स्टूडेंट, बेसिकली ये एक प्लानिंग का एक हिस्सा है, एक सब पार्ट है। जो चैप्टर प्लानिंग हमने डिस्कस किया, ये उसी का ही रेलिवेंट है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में स्टूडेंट, जो एम्प्लॉयज़ और जो मैनेजर्स हैं, वो आपस में मिलकर काम करते हैं। यानी कि इस मैनेजमेंट में एक फ्रीली हैंड हुआ करता है एम्प्लॉयज़ के पास। पहले क्या हुआ करता था, एक जो ट्रेडिशनल हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम था, इन्फॉर्मेशन का फ़्लो स्टूडेंट टॉप से बॉटम की तरफ आया करता था। बट यहाँ से क्या होगा, इसमें टॉप से बॉटम तो आएगा बट बॉटम से टॉप भी जाएगा। यानी कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ आपस में मिलकर काम करेंगे। एक ये किस लिए बनाया जाता है, इसकी रीज़न भी है स्टूडेंट। देखिए, जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरऑल एक प्लान होता है, एक व्यू होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान ये है कि इस नेक्स्ट कमिंग ईयर में उसने प्रॉफिट मार्जिन 10% कमाना है। तो अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट जो डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट अपना एक अलग से प्लान बनाएगा। अपने एक हर डिपार्टमेंट का जो एक मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर एक प्लान बनाएगा। वो अपने ऑब्जेक्टिव्स देगा। क्यों देगा, ताकि ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट है, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हासिल किया जा सके। यानी कि डायरेक्शन वही रखनी है। लेकिन यहाँ जिस तरह से होता है ना कि कंट्रीब्यूट करना, हम अपने से क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट और क्या कर सकता है, वो सारे इंडिविजुअली बैठकर अपना अपना एक रोल बना लेते हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वो अपनी एक कोऑर्डिनेशन देगा, अपनी पार्टिसिपेशन देगा। इसी तरह से सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंटल वाइज वहाँ क्या होगा, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे। और वहाँ पर जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे। इंफॉर्मेशन का फ्लो सिर्फ वन डायरेक्शन नहीं होगा, बल्कि टू डायरेक्शन होगा। मैनेजर क्या करेगा इसमें स्टूडेंट, अपने एम्प्लॉयज़ को साथ बिठाएगा और उन एम्प्लॉयज़ की मर्ज़ी के साथ उस प्लान को डिवेलप करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें स्टूडेंट जो है, एम्प्लॉयज़ का और मैनेजर का आलमोस्ट इक्वल रोल रहेगा। हाँ, बट ये है कि मैनेजर इंस्ट्रक्शन ज़रूर देगा, बट म्यूचुअल इंस्ट्रक्शंस होंगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और ये साथ मिलकर काम करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन बनेगा, ठीक हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें जो प्लान किया जाता है स्टूडेंट, ये शॉर्ट टर्म प्लान हुआ करता है, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए नहीं होता, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लान्स हम टाइप्स ऑफ प्लान्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हो सकता है वो प्लान डे टू डे हो सकता है वो वीकली प्लान हो सकता है वो मंथली हो सकता है वो 3 मंथ्स का हो या 6 मंथ का हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। इसका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसका आज कल की जो डेज़ हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट, जो बदलता इन्वायरमेंट है, उसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लाइक अगर आप मेडिकल की फील्ड में देख लें, आपका एक जो एरिया मैनेजर है, उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को डर नहीं रहता किसी भी काम को करने में, या हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO इज़ द पर्सोनल मैनेजमेंट। स्टूडेंट, पर्सोनल यहाँ पर्सनल वर्ड नहीं है, पर्सोनल है। पर्सोनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, तमाम वर्कर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वर्कर्स तो MBO इज़ अ पर्सोनल मैनेजमेंट टेक्निक वेयर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ वर्क टुगेदर टू सेट, रिकॉर्ड एंड मोनिटर गोल्स फॉर आ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हुआ स्टूडेंट, जो मैं अभी बता कर आया कि यहाँ पर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ इकट्ठे मिलकर गोल को सेट करते हैं, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस चेक करते हैं,
ठीक है, और उसको मॉनिटर भी करते हैं कि आया कि हमारा जो गोल है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, यानी कि ये अपना पार्टिसिपेट करते हैं अपने गोल बनाकर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगेन आपको बता दिया कि टाइम यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हमारे पास टाइम होना ज़रूरी है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पर MBO यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, MBO रिक्वायर्स दैट एम्प्लॉयज सेट मेजरेबल पर्सनल गोल्स बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगेन MBO क्या है, MBO को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं स्टूडेंट वो ज़ाती खुद बैठकर गोल सेट करते हैं। क्यों सेट करते हैं, किस बिहाब पर, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल में हम भी पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, एक मजमूई था, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट एक ओवरऑल गोल है, तो हमने इसके डिपार्टमेंट वाइज इसके हमने डिविजन्स कर दी। अब ये लेट्स सपोज ये हमारे पास परचेज फाइनेंस डिपार्टमेंट को ले लें, फाइनेंस डिपार्टमेंट एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये अपना स्टूडेंट गोल बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेल डिपार्टमेंट अपना करेगा, परचेज डिपार्टमेंट अपना करेगा, HR डिपार्टमेंट अपना रोल अदा करेगा, इस तरह से करेगा ताकि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो हासिल किया जा सके। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। फीचर्स में देखिए, ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड विद द एम्प्लॉयज। इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि MBO है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ एम्प्लॉयज़ की को हम साथ बिठाते हैं, एम्प्लॉयज़ की डिस्कशन के साथ, एम्प्लॉयज़ की मर्ज़ी के साथ हम अपना गोल डिसाइड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर डिटरमाइंड विद द एम्प्लॉयज़, ऑब्जेक्टिव्स का एम्प्लॉयज़ के साथ जो है हर एम्प्लॉय को मालूम होता है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वेल अवेयरनेस होती है इसमें एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जिस तरह से वर्कर्स को कुछ मालूम ही नहीं होता, हमें जस्ट उसको ये बताना है कि आपने ये काम करना है, उस एम्प्लॉय को कोई मतलब नहीं होता कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, ये करना क्या चाह रहा है, लाइक जिस तरह से वो एक भेड़ को चराने वाली बात हो जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको मालूम होता है कि मुझे कौन सा काम दिया जा रहा है और किस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी चैलेंजिंग एंड मोटिवेटिंग। डेफिनेटली स्टूडेंट ये फीचर में जब आप एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर ऑब्जेक्ट सेट करते हो तो वो ऑब्जेक्ट जो हैं यानी कि वो मकासद जो हैं एम्प्लॉयज़ अपनी मर्ज़ी से और अपनी विश से ये डिसाइड लेते हैं, अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो वो बेसिकली उनके लिए क्या होता है, चैलेंजिंग होता है। चैलेंज यानी कि उसमें कोई जोश पाया जाता है, ठीक है, किस कोई रीज़न होती है। मोटिवेटिंग डेफिनेटली जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप ये करेंगे, उसने कहा हमें भी भर ली कि मैं यही करूँगा, तो वो हम फिर उसको क्या करते हैं, उसमें मोटिवेशन पैदा होती है। मोटिवेशन में क्या होता है स्टूडेंट, अगर वो गोल अचीव कर जाता है, हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एम्प्लॉय को दे दी, तो वो रिवार्ड हम उसको देते हैं, उसमें वो मोटिवेट होता है, उसकी हौसला अफजाई होती है उसमें। तो MBO में देखने में आया है आमतौर पर जो एम्प्लॉयज़ जो एक टारगेट अचीव करते हैं वो उनके लिए चैलेंजिंग भी होता है और उनके लिए मोटिवेटिंग भी होता है, उनकी हौसला अफजाई भी होती रहती है, ये फीचर में आएगा। नेक्स्ट, डेली फीडबैक ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर एट द लेवल ऑफ कोचिंग एंड डिवेलपमेंट। स्टूडेंट उसके बाद MBO का लेट्स सपोज हमने MBO बनाई 3 मंथ्स के लिए, तो हमने ओवरऑल डायरेक्ट 3 मंथ के बाद रिजल्ट नहीं देखना होगा, इसमें हमने डेली बेसिस पर अपना टारगेट सेट करना, जो सेट किया हुआ है हमने डेली उसको चेक करना है, फीडबैक लेना है। वो फीडबैक कौन देता है स्टूडेंट, आपका सुपीरियर देता है, लाइक मैनेजर आपको डायरेक्शन बताता है कि आप सही जा रहे हो, आपने इतना टारगेट अचीव कर लिया है और इतना सोचा था आपने, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, साथ में आपको कोचिंग भी करेगा, आपकी रहनुमाई भी करेगा और आपको ऊपर की तरफ लेकर आएगा, यानी कि उस टारगेट तक जो आपने MBO में अपनी बेस पर बनाया कि हम ये करके दे सकते हैं एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन यहाँ पर रिवार्ड्स की बात भी उसने कर दी है, रिवार्ड्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स इज़ आ रिक्वायरमेंट। तो MBO का ये भी फीचर है कि जब आपकी एम्प्लॉयज़ खुशी से एक काम सर अंजाम देते हैं और टारगेट अचीव करके देते हैं तो आप उसको रिवार्ड देते हैं। रिवार्ड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट बोनस हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं जो सिर्फ एप्रिसिएशन चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो सैलरी या बोनस वगैरह के उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सेल्फ कॉन्फिडेंट ये लोग होते हैं, सेल्फ स्टीम लोग होते हैं।
तो रिवार्ड्स उनकी बिहाफ पर उनकी ज़रूरत को देखते हुए हम उनको रिवार्ड देते हैं। आया कि एक जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी अगर इतनी नहीं है तो हम उसको बोनस ऑफर कर सकते हैं, और एक एम्प्लॉय जो ऑलरेडी मैनेजर की पोस्ट पर या इससे अच्छी पोस्ट पर बैठा हुआ है तो हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, या उसको हम जो है रिवार्ड में उसकी पहचान में हम उसके जो है कोई भी एजाज़ दे सकते हैं, ठीक है, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इसी तरह से हर साल जो है ऑर्गेनाइजेशन भी अपना फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद एक फंक्शन करवाती है जिसमें जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो कारकर्दगी होती है उसको देखते हैं, तो इसमें हो सकता है उन्हें मेडल्स दिए जाएँ, इस तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है हमारे पास, द बेसिक प्रिंसिपल इज़ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट नॉट पनिशमेंट। स्टूडेंट MBO में लेट्स सपोज अगर आपका एम्प्लॉय ने वो टारगेट अचीव नहीं किया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप उसको पनिश करोगे, ठीक है। MBO का बेसिकली पर्पज़ ही यही है कि आपने ग्रोथ की तरफ जाना है, अल्टीमेट एक पॉजिटिव बिहेवियर पैदा होता है। आप जब एक एम्प्लॉय को एक काम असाइन करते हैं, अगर वो काम नहीं वो ठीक से कर पाता बट उसमें भी उसको कोई सीख मिलती है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाया, ये क्यों नहीं हो पाया, एक पॉजिटिव बिहेवियर होता है इसमें। आपका मैनेजर आपको पनिश नहीं कर सकता, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको वो अप्रिशिएट करेगा नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट अच्छा करने के लिए। ये भी एक इसका एक अच्छा फीचर है कि हम यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो उसको सज़ा का डर नहीं रहेगा। अगर वो सज़ा के डर में रहेगा तो वो अपना टारगेट अच्छे से अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फीचर्स ऑफ MBO। तो स्टूडेंट MBO जब हम करने जा रहे हैं तो उसके स्टेप्स भी होते हैं कि हमने किस तरह से, लेट्स सपोज हमें एक गोल ऑर्गेनाइजेशन ने का सेट हुआ कि हमने वही बात कि एक साल में 10% का हमने प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था। अब लेट्स सपोज मैं सेल डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं सेल डिपार्टमेंट में रहते हुए अपने लिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी टीम के साथ अपना गोल सेट करता हूँ। अब वो गोल सेट करने के लिए कौन से प्रोसेस मुझे ज़रूरत होंगे वो देखते हैं स्टूडेंट्स। डिटरमाइन एंड रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट में तो स्टूडेंट हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मालूम हो। अगर मैं एक सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ तो मुझे एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है। ऐसा नहीं होगा कि मैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल मुझे मालूम ही ना हो और मैं अपना गोल सेट कर सकूँ, ठीक है, वो तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है जाकर बात बने। तो ये ज़रूरी है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मालूम हो, उस बिहा पर हम अपने लिए MBO एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्रांसलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ORG, स्टूडेंट ORG मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल है ये। ट्रांसलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू एम्प्लॉयज़। अब वही MBO में हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ बिठाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, प्लान था, ऑब्जेक्ट है जो एक साल के बाद कंप्लीट होने वाला है। अब हमें बताएं हम अपने रिसोर्सेज से क्या क्या कर सकते हैं, वो एम्प्लॉयज़ खुद आपको बताएंगे, ठीक है, एक वो खुद बोलेंगे और उसमें वो भी बताएंगे कि मेरे अंदर ये स्पेशलिटी है, आप मुझे ये काम असाइन कर दें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, हर एक एम्प्लॉयज़ को मालूम होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि MBO में हमारा क्या रोल रहेगा, ठीक है, सबको मालूम होगा। जैसे आप एक क्रिकेट टीम को ही ले लीजिए, क्रिकेट टीम में सबको हर मैच में अलग अलग स्ट्रेटजी बनती है, प्लान बनता है, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में कैप्टन जो है वो डिफरेंट रोल दे देता है डिफरेंट प्लेयर्स को, तो सबको अपना अपना रोल मालूम होता है। इसी तरह से जब आप MBO करने जा रहे हैं, आपकी अंडर जो टीम है सबको अपना अपना रोल क्लियरली डिफाइंड है, ठीक हो गया, कोई एम्बिग्विटी नहीं पाई जाती, सबको अपने अपनी जो डायरेक्शन है पता है कि हमने करना क्या है इसमें, ताकि वो अपने जो टारगेट उन्होंने सेट किया था वो अचीव किया जा सके। वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को नहीं देखेंगे, वो अपने गोल को देखेंगे, लेकिन उनका अपना गोल किस बेनिफिट पे है, किसके बेनिफिट में है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बेनिफिट में है। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टिमुलेट द पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज द डिटरमाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगेन पार्टिसिपेशन, सबकी पार्टिसिपेशन रहेगी जो मैं इस पॉइंट में आपको बता के आया स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, जस्ट ट्रांसलेटिंग का मतलब सबको बताना चाहिए कि ये हमारा
हम गोल सेट करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करेगा अपना अपना, जो वो अच्छा कर सकता है वो आपको बताएगा, ठीक है। आपको आपके मैनेजर को, यानी कि मैनेजर को क्या करेगा, सजेशन भी देगा, मैनेजर उनकी भी सुनेगा, रिसोर्सेज भी देखे जाएंगे कि हमारे अंदर क्या है, किस चीज़ की कमी है, उसको पूरा किया जाए ताकि उनका अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो सेट किया जा सके, अचीव किया जा सके। नंबर फोर, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस। जब स्टूडेंट यहाँ पर वो काम करने लग जाएंगे, प्रोसेस में यहाँ पर सो गया, उसके बाद हमने ज़रूरत पड़ती है मॉनिटर करने की, तो एक ऐसा आपको एक पर्सन चाहिए होता है जो आपकी एक्टिविटीज़ को जज कर रहा होता है कि आया कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था क्या आप उसी वे में जा रहे हो, ठीक है, कोई डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो गई आपकी, या परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ रहा है, तो वो भी आपको जज करके बताएगा। और ये नॉर्मली मैनेजर किया करता है, मैनेजर लुक आफ्टर करेगा, लीडिंग करेगा, जो आपने मैनेजमेंट फंक्शन में भी पढ़ा था। नंबर फाइव, स्टेप्स में जब आपकी प्रोग्रेस अच्छी रहेगी तो आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा। अगेन वही बात जो हम ऊपर यहाँ पर डिस्कस करके आए हैं फीचर्स में, तो ये आपका MBO का प्रोसेस है, ठीक है। तो कोई भी आपने अगर आपने फ्यूचर में होपफुली, पूरी उम्मीद है आप मैनेजर बनोगे और इससे भी अच्छी पोस्ट पे जाओगे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में MBO की ज़रूरत पड़ेगी। तो MBO में आपको मालूम होना चाहिए कि हमने 5 स्टेप्स रखने होते हैं, 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट, एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में रोल क्लैरिटी होती है, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अलावा की बात करें तो आपको जस्ट आपका सुपीरियर इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये काम करना है, ठीक है, आप वो काम कर लेते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, रोल क्लैरिटी में, बिकॉज आपने एक टीम बना ली, उसमें आपको आपका रोल बता दिया गया, आपको आपकी लिमिटेशन बता दी गई, और आपको साथ में अपनी टीम का ऑब्जेक्टिव भी मालूम था, आपने अपनी टीम का गोल भी डिसाइड किया हुआ था। जबकि आम जब हम प्लानिंग की बात करें तो आप उसमें ऐसा नहीं देखते, एम्प्लॉयज़ को जस्ट जो आप जो काम दिया जाता है बस वो वही करता है। तो रोल क्लैरिटी है, इसमें मालूम होता है कि कौन सा पर्सन, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। अगेन स्टूडेंट, मैनेजमेंट का एक ये भी फ़ायदा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, कि मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज, मोटिवेट होते हैं बिकॉज इन्हें यहाँ पर रिवार्ड दिया जाता है। कमिटमेंट, बिकॉज ये अपनी मर्ज़ी से हामी भरते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो ये एक कमिटमेंट शो कर देते हैं, वो बाउंड हो जाते हैं इस काम के लिए कि हमने ये काम करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट में स्टूडेंट, क्योंकि एम्प्लॉयज़ और मैनेजर मिलकर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो ये एक ओवरऑल एक अच्छा सैम्पल समझा जाता है मैनेजमेंट का। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट डेवलप होती है, मैनेजमेंट बढ़ती है, ठीक हो गया। गोल अचीवमेंट, डेफिनेटली यहाँ पर जो गोल है, अब हम क्यों करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ताकि किसी गोल को अचीव किया जा सके। तो इससे क्या होगा, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म होती है और गोल अचीव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, हमने प्लानिंग में भी डिस्कस किया जब हमने टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ा, कि जितना हमारे पास जो शॉर्ट टर्म के लिए जो प्लान होता है वो उतना ज़्यादा अफेक्टिव होता है, उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। डेफिनेटली जब आपने एक प्लान कर लिया तो इम्प्लीमेंटेशन ऐसे नहीं होती स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग देने के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर ट्रेनिंग ना दी जाए और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाए तो वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हम ये ही बताएगा, हम इसके डिसएडवांटेजेस में भी बात करेंगे, ये इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि रिजिड है, कोई चांस ही नहीं है इसमें कि अगर आप सक्सेस नहीं होते तो आप कोई अल्टरनेट प्लान यूज़ कर लोगे, ऐसा नहीं होता, वो आपका पूरा का पूरा जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है। चाहे जिस तरह के भी आपके हालात चेंज हो रहे हों, लेकिन आपने यहाँ कमिटमेंट शो कर दी है कि हमने ये काम करना है और वो होकर ही रहना है, मतलब यहाँ पर हम प्लान को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर जो गोल अचीवमेंट है वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं पाई जाएगी, कोई चेंज नहीं है, हम उसमें यही इमेजिन करते हैं कि जो आउटर जो बाकी जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंट है, तो वही शॉर्ट टर्म के लिए है, हम इसको ईजिली अचीव कर सकते हैं।
ठीक है, तो सॉरी मैं हम ये डिस्कस कर रहे थे बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमने बात की कि ट्रेनिंग दी जाएगी, क्यों दी जाएगी, क्योंकि कोई चांस नहीं है फ्लॉप होने का। अगर होता है, अगर वो ट्रेनिंग ना दी जाए तो हो सकता है वो फ्लॉप हो जाए, और अगर वो फ्लॉप होता है तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस, यानी कि लाइक अगर क्रिकेट मैच को देख लीजिए तो आप देखते हैं उसमें कि दो तीन प्लेयर्स तो बहुत अच्छे खेलते हैं लेकिन टीम फिर हार जाती है, लेकिन हम कंसीडर क्या करते हैं, ये पूरी टीम पाकिस्तान की या किसी भी, तो वो टीम सक्सेस हुई किस वजह से हुई, अगर वो दो प्लेयर्स अच्छे खेल गए तो पूरी टीम का नाम होता है, लेकिन अगर सारे दो तीन अच्छे खेले और वो बाकी अच्छे ना खेलें तो ओवरऑल क्या होता है, नुकसान होता है, मतलब वो टीम हार जाती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में हम यही देखते हैं कि बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सपोर्ट फ्रॉम सुपीरियर स्टूडेंट, इसमें सुपीरियर की काफ़ी सपोर्ट रहती है बिकॉज हम सुपीरियर के अंडर ही काम कर रहे होते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो आपका सुपीरियर आपको हमेशा सपोर्ट देता रहता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई एम्बिग्विटी होती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर उसका जो मैनेजर है वो उसको गाइड करता है, उसकी डायरेक्शन को ठीक करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीए। स्टूडेंट ये बेसिकली देखें, जब ट्रेडिशनल प्लान हम लेकर चल रहे होते हैं तो उसमें एक डिपार्टमेंट अपना प्लान करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली उसको कुछ टाइम तो चाहिए होता है स्टूडेंट प्लान बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हमने बात की यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो वो बाकी कामों से वो अलग हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर टाइम लगता है, ये इतना आसान नहीं होता कि आपने प्लान बनाया और बनाते ही इम्प्लीमेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता, चीज़ों को हमेशा करते हुए टाइम लगता है। तो बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपका जो एक प्रोसेस चल रहा था पहले से वो अब लॉक हो गया, अब न्यू आपने जो प्लानिंग की उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ टाइम लगता है, हो सकता है वो दो मंथ हो, थ्री मंथ का टाइम हो, तो इतना टाइम यूजली लग जाता है। रिवार्ड पनिश अप्रोच, स्टूडेंट हमने अभी इसकी जो फीचर्स में बात की, यहाँ पर रिवार्ड दिया जाता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर वो एम्प्लॉय अपने टारगेट अचीव नहीं करता तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसको पनिश दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट है इसमें कहीं पनिश का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, बट चूँकि हम इंसान हैं, ठीक है, हम फिर मिस्टेक्स कर सकते हैं, अपनी जो सेंसेस हैं उस पर काबू नहीं रखते, तो अगर वो एम्प्लॉय अचीव नहीं करता तो यहाँ उसको पनिश भी दिया जाता है रिवार्ड के साथ साथ, लेकिन एमबीओ में कॉन्सेप्ट ये नहीं है, एमबीओ कहता है कि नो पनिशमेंट, क्लियर, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, डेफिनेटली स्टूडेंट जब आपने एक टीम बनाई तो उसमें टीम में सब के सब आपके हामी नहीं होते, कुछ ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो एक अलग थॉट ऑफ माइंड के लोग होते हैं, आपकी उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रह पाती या वो आपकी बात अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, वो एक अलग डायरेक्शन में आपको लेकर जाते हैं, तो यहाँ हर जगह स्टूडेंट टीम में कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं, तो ये भी स्टूडेंट एमबीओ का एक डिसएडवांटेज है बिकॉज अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस पर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट स्टूडेंट इनफ्लेक्सिबिलिटी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी को हम दूसरी सेंस में स्टूडेंट रिजिडिटी का नाम भी देते हैं, रिजिडिटी मतलब कि एक हम बात, इसमें स्टूडेंट कहीं कोई चांस नहीं है प्लान चेंज करने का, अगर वो पूरा प्लान क्रैक होगा तो सब के सब पूरा प्लान क्रैक होगा, इसमें अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते कि अगर ये नहीं हो पाया तो हम इस तरह से कर लें, तो ये बेसिकली इनफ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज़ ये शॉर्ट टर्म के प्लान होते हैं, एक टीम डिसाइड करती है कि ये टारगेट अचीव करना है इतने मंथ में करना है ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम सपोर्ट कर सकें, मदद दे सकें, तो यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी का कोई चांस जो है, फ्लेक्सिबिलिटी का कोई चांस नहीं है, ये इनफ्लेक्सिबल रहेगा मतलब रिजिड रहेगा, फ्लॉप होता है तो मुकम्मल फ्लॉप, सक्सेस होगा तो 100% सक्सेसफुल की तरफ जाएंगे। लैक ऑफ फॉलो अप, स्टूडेंट यहाँ हो सकता है कि आपका जो मैनेजर है उसमें कमी बेशी हो, हमने यहाँ पर बात की कि फीडबैक की, कि डेली बेसिस पर वो फीडबैक आपका चेक करेगा कि आपने टारगेट अचीव किया या नहीं किया, हो सकता है स्टूडेंट उसकी लैकनेस में वो आपको साथ साथ फीडबैक नहीं देता, ठीक है, जब आपको वो साथ साथ फीडबैक नहीं देगा, आपको चेक नहीं करेगा, तो आप अगेन जो है वो डिज़ास्टर्स की तरफ चले जाएंगे, आपको जो प्लान है वो फेल हो जाएगा।
तो ये भी एक लेटनेस रहती है एक मैनेजर की तरफ से, क्योंकि मैनेजर को स्टूडेंट हो सकता है कि और भी बहुत से काम हो सकता है वो उलझा हुआ हो, ये उसकी अपनी एक, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी यही है एम पी ओ में कि वो डेली बेसिस पर फीडबैक दे। वो अगर फीडबैक नहीं देगा, आपको नहीं बताएगा कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपका जो प्लान है, जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, वो फ्लॉप होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट डिसएडवांटेज हुआ। जी स्टूडेंट, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अहम टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।